हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट का जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर कौन सा था, फोर्थ था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, जिसके अंदर हमने नॉर्मल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसके बहुत से एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। और जो है आपको जो है बताया था कि कौन से एग्जाम्पल के अंदर किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी कही थी कि पिछले वीडियोस के अंदर अगर मुझे जितने व्यूज़ होंगे उतने लाइक्स मिलेंगे तभी बनाऊंगी, बट एक्चुअली में वो भी नहीं हो रहा है, लाइक्स जो है बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, लाइक्स जितने व्यूज़ हो रहे हैं उतने लाइक्स मिल नहीं रहे हैं। आपका काम है लाइक करना और मेरा काम है नेक्स्ट आगे से आगे टॉपिक वाइज वीडियो बनाना, तो मैं तो अपना काम कर लेती हूँ, आप अपना उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके। आज जो हम करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नंबर फिफ्थ, ठीक है। लास्ट हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर तक कंप्लीट किया था, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके की होती है, एक तो होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सी होती है, जिसके अंदर पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर पार्शियल चार्जेस आने लगते हैं। और आपको मैंने एग्जांपल बताया था HF का, किसका एग्जांपल बताया था भाई, HF का एग्जांपल बताया था जिसके अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस वजह से फ्लोरीन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है ऐसे एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको कहा जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जिसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 की हमने ली है, O2 की हमने ली है, इस ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम नहीं बता पाते हैं उनको कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हमेशा जो भी बॉन्ड बनती है, फॉर एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होती है उनके अंदर एक तरीके की और प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है डायपोल मोमेंट, ठीक है, हिंदी में जिसको कहा जाता है द्विध्रुवीय आघूर्णन, ओके। डायपोल मोमेंट जो होता है सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जाता है जिनके अंदर किसी तरीके की पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, या फिर यूँ कहें जिनके अंदर चार्जेस डेवलप हों, पोलराइजेशन कुछ हद तक उनके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज जिसको डिनोट किया जाता है क्यू से इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये मैं बता रही हूँ अभी, डोंट गेट वरीड, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस जिसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि मेरे पास में कोई भी दो जैसे एटम्स हैं ए और बी, तो इसके अंदर बी पे मान लेते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये मेरा ए का न्यूक्लियस है, ये मेरा बी का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पे चार्ज कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, ये चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर प्रेजेंट हैं जिसको आर से डिनोट किया जाता है, उससे डायपोल मोमेंट को बताया जाता है। यानी डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है वो क्या होते हैं, चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस जिसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये होती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को यूनिट से डिनोट किया जाता है, वो होती है डी बाय, जिसको कैपिटल डी से लिखा जाता है, डी बाय यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वन डी बाय जो होता है, वन डी बाय इक्वल्स टू 3.335 देन 64 इंटू 10^30 कूलम मीटर के बराबर होता है। ये इसको चार्ज यूनिट को चेंज करने में जहाँ पे भी आए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी जो है वो क्या है, कूलम, और एम जो है वो क्या है हमारा, मीटर, ठीक है। यानी कि एक डीबाई जो होता है 3.33564 इंटू 10^13 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, ये है कूलम मीटर, कूलम मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये तो समझ आ गया डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब देखिए बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। अब हमें एग्जांपल देखने हैं कि कौन से एटम के डायपोल मोमेंट ज़ीरो होते हैं और किसका का डायपोल मोमेंट कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए हमेशा क्या होता है, फॉर एग्जांपल HF का ही ले लेते हैं। HF जो है हमें पता है इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है,
ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ा सा लाइट ही लिख रही हूँ उसको, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी डाइपोल मोमेंट शो किया जाता है तो इसमें होता क्या है, यानी कि फ्लोरीन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इस तरीके से एरो बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है किसी मॉलिक्यूल में, उसकी तरफ एरो वाला ये निशान आता है, हेड उसकी तरफ आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है टेल उसकी तरफ आता है। इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये हेड जो है एरो का वो फ्लोरीन की तरफ आएगा, और जो टेल है एरो की वो हाइड्रोजन की तरफ आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करने का, ये एरो का मतलब क्या होता है कि भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है, तो इसका कुछ हद तक डाइपोल मोमेंट क्या है, पाया जाता है, ठीक है भाई, समझ आ गया। अब इसी तरीके से देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल, जो कि है हमारा H2O, ठीक है। H2O का डाइपोल मोमेंट देखते हैं, ठीक है। H2O जो है, H2O का स्ट्रक्चर जो बनता है, एंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या होता है, वो आपके अभी आगे VSEPR थ्योरी आएगी उसके अंदर बताऊंगी आपको, ठीक है। H2O का एंगुलर स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, ठीक है भाई, बन गया। अब इस एंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होगा क्या, देखिए। अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट चेक करने से पहले आपको मतलब डाइपोल मोमेंट बताएंगे तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। हमें पता है ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों की जो है सबसे ज़्यादा होती है, फिर बाकी की साइज़ के अकॉर्डिंग देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन की दोनों की कम होती है। तो इसमें एरो किस तरीके से बनेंगे कि भाई ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट टोटल इसका भी इस तरफ लग रहा है और इस वाले हाइड्रोजन का भी इस तरफ लग रहा है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट किस तरफ हुआ, इस डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर हुआ, जिस वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.85 d/k बराबर होता है। यानी कि इस हाइड्रोजन का भी फोर्स यहाँ लग रहा है और इस हाइड्रोजन के लिए भी फोर्स यहां लग रहा है, ऑक्सीजन यही तरह अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो मैं दिखा रही हूं इस वाले एरो से, ये है इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल डाइपोल मोमेंट किस तरफ लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, वो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल, जो कि है हमारा BEF2, बोरोन बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, बेरिलियम है हमारा ये, बेरिलियम और BEF2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर बनता है, ठीक है भाई, लीनियर बनता है। ये हो गया हमारा BEF2 का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके अंदर हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये एरो किसकी तरफ आएगा, फ्लोरीन की तरफ आएगा, ये भी इस तरफ आएगा। यानी कि हुआ क्या, देखो एक एरो जा रहा है इस तरफ, एक एरो जा रहा है इस तरफ, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसका जो म्यू होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब तो समझ आ गया होगा आपको, ये यहाँ जा रहा है और ये वाला यहाँ जा रहा है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे नहीं होता है कि हम लेते हैं -1 और +1 ले लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो कर देते हैं, बिल्कुल यही वाली कंडीशन है। ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल कर देते हैं और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है भाई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लेते हैं BF3 का, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का, ठीक है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले इसकी। बोरोन ट्राईफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, और एक फ्लोरीन जो है वो ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, तो ये एक यहाँ पे एरो बनेगा, एक एरो इस तरफ बनेगा और एक एरो इस तरफ बनेगा, ठीक है। यानी कि तीन एरो जो बन रहे हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट जो इसका डाइपोल मोमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये मैं प्लस लिख देती हूँ यहाँ पे बोरोन का, ठीक है। ये
मान लेते हैं बोरोन का न्यूक्लियस है, तो ये दो तो यहाँ लगा रहे हैं, यानी इन दो की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और इस एक की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो वही वाली बात होगी इसके अंदर वाली, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, BF3 का भी जो डायपोल मोमेंट है वो आ जाता है ज़ीरो। यहाँ पर इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट देखेंगे तो वो इस तरफ होता है, और इस एक का तो इस तरफ हो ही रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो आ जाता है ज़ीरो। समझ आ गई भाई, बहुत नॉर्मल है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब देखते हैं दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके बीच में कंपैरिजन आता है, ये कंपैरिजन आता है NH3 और NF3 के अंदर, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो भी स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है भाई कि NH3 और NF3 इन दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, पिरामिडल, इसकी भी पिरामिडल होती है और NF3 की भी पिरामिडल होती है, दोनों के अंदर क्या होता है, एक एक लोन पेयर होता है, NH3 में भी एक लोन पेयर, NF3 में भी एक लोन पेयर, फिर भी दोनों के अंदर बराबर लोन पेयर होने के बावजूद भी NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो 4.90 × 10⁻³० कूलम मीटर होता है, जबकि NF3 जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके अंदर 0.8 × 10⁻³० कूलम मीटर होता है। यानी कि इन दोनों के अंदर देखो नाइट्रोजन तो दोनों में सेम है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 फ्लोरीन है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से भी इसका डायपोल मोमेंट जो है, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, जो कि NF3 का डायपोल मोमेंट कम क्यों है। अब ये समझने के लिए आती है, आइए पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है भाई। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है मेरा NH3, पहले बनाऊंगी NH3, दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है, पिरामिडल शेप की होती है, ठीक है। एक होता है इसके पास में लोन पेयर, ये लोन पेयर को डिनोट करने का तरीका है। अब देखिए इसी तरीके से बनाते हैं हम NF3 की स्ट्रक्चर, ये हो गया मेरा N और ये तीनों फ्लोरीन, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनती है, पिरामिडल होती है दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों के पास एक एक लोन पेयर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो सुनिए, ठीक है। इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की होती है, तो एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई। ये यहाँ ऊपर की तरफ एरो आ गया, यानी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखिए एक जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये भी तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका भी तो कुछ हद तक अट्रैक्शन लगेगा, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन जब भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो लोन पेयर का फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज़्यादा हो लेकिन लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो यहाँ पे, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस NH3 का कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी ऊपर आ रहे हैं और ये भी ऊपर आ रहा है, तो इसका बना रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। इसके अंदर देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ज़्यादा है, ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, ये यहाँ फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन लोन पेयर क्या करेगा, जैसे इसके अंदर हो रहा था ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन को, यानी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट देखेंगे वो 3 फ्लोरीन का यहाँ लग रहा है और 1 लोन पेयर का यहाँ लग रहा है, तो अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फिर तो इसका म्यू जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस लोन पेयर का अट्रैक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 फ्लोरीन तो लग रहे हैं, इस एक लोन पेयर का इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी ये वाली जो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है, ये वाला कम हो रहा होता है, जिस वजह से इसका डायपोल मोमेंट होता तो है लेकिन इसका डायपोल मोमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, 0.80 × 10⁻³० कूलम मीटर, ठीक है भाई, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना भूल गई मैं, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो ये हो गई कि ये जो 1 dBi की वैल्यू आती है ये आती है -30
-30 कूलम मीटर, ठीक है भाई। तो सबके अंदर जो है ये यहाँ पे भी जो है ये आएगी -30, -30 में तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ओके। ये आएगी -30 कूलम मीटर, यानी कि जो 1 बाय है वो किसके बराबर होता है भाई, 3.33564 × 10⁻³⁻⁻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 
अपना जो है रिजल्ट डायपोल मोमेंट लगाता है, इसका फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, बराबर ना खींचने की जगह पे थोड़ा सा फोर्स जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है यहाँ पे बराबर। अब जैसे BEF2 है, BEF2 के अंदर तो दोनों फ्लोरीन एटम थे तो बिल्कुल बराबर खींच रहे थे, तो इसका ज़ीरो हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन फ्लोरीन है लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर होने की वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका 0.80 × 10⁻³⁰ कूलम मीटर के बराबर होता है। ज़ीरो तो नहीं होता, कुछ हद तक उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट सारा का सारा ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है 4.90 × 10⁻³⁰ होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है NF3 का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो क्यों नहीं होता, वो ज़ीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या है, लोन पेयर क्या करता है, NF का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसको कम कर देता है और इसके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से थोड़ा हद तक डायपोल मोमेंट जो वो ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका डायपोल मोमेंट जीरो ना होने की वजह से 0.80 × 10⁻³⁰ कूलम मीटर होता है। ये थी कुछ वैल्यूज़ भाई जिसके अंदर आपको समझाया गया कि किस तरीके से जो है डायपोल मोमेंट कैसा होता है। एक एग्जांपल और लेके बता देती हूँ आपको और अच्छे से समझ आ जाए, CO2 का, ठीक है, इसके अंदर किस तरीके का बनता है CO2, इस तरीके से बनता है। तो अब हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। अब देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो बिल्कुल बराबर खींच रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका म्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, और कोई एग्जाम्पल बताइए, ले लेते हैं अब एक और ज़ीरो का ले लेती हूँ मैं आपको, ज़ीरो की जो है वो काफ़ी कैजुअल एग्जांपल मिल जाते हैं आपको। CCl4 का ले लेते हैं, ये हो गया कार्बन, ये यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है भाई। अब हमें पता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये एरो इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ बनेगा और ये यहाँ बनेगा। अब देखिए इसका जो डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लस किसके लिए है, कार्बन के लिए, तो तीन यहाँ नीचे की तरफ लगा रहे हैं, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट हो जाता है और इसका भी जीरो हो जाता है। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ तो तीन क्लोरीन लगा रहे हैं अट्रैक्ट करने में और यहाँ पर एक ही क्लोरीन खींच रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए ना, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों क्लोरीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर फ्लोरीन हो जाता तो हमें पता है कि क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो रिजल्टेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे तीनों की तीनों क्लोरीन है, ऊपर भी एक क्लोरीन है, तो इस वजह से क्या है, बिल्कुल बराबर ही माना जाता है इनका क्या, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल ये ले लिया जाता CCl3 और F ले लिया जाता, तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाती तो इसका कुछ इस तरीके से बनता कि ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो इसकी रिजल्टेंट यहाँ आता, इसका रिजल्टेंट यहाँ, इसका रिजल्टेंट यहाँ और इसका रिजल्टेंट यहाँ, तो होता क्या, तीन यहाँ लगा रहे हैं, एक ये यहाँ लगा रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज़्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आता ज़्यादा और इसका कुछ हद तक जो है जो कहते हैं डायपोल मोमेंट ज़रूर मिलता, क्योंकि फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दैट विद क्लोरीन। समझ आ गई ये चीज़, बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट समझने की देरी होती है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना, फिर तो किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मेरे हिसाब से आपको डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज डायपोल मोमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, आपकी हायर क्लासेस के अंदर भी ज़रूर आती है ये। चलिए भाई अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है, उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। अब यही बात मैंने आपको समझा दी थी पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से। अब देखिए एक चीज़ और बताई गई, एक चीज़ और समझाई गई, वो ये थी कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर
अगर प्योर आयनिक कैरेक्टर कहा जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर पाए जाते हैं। इसको समझाया गया किसके थ्रू भाई? इसको समझाया गया फैजान्स की रूल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग समझाया गया? फैजान की रूल्स के अकॉर्डिंग, FAJANS, फैजान्स की कुछ रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग इसको समझाया गया। आई थिंक थोड़ा कम दिख रहा है ये आपको, है ना, लाइट हो रहा है ये, चलो मैं थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ। फैजान जो है एक साइंटिस्ट का नेम था, उसने जैसे पीछे बताया था मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, बिल्कुल उसी चीज़ को कि एक भी मॉलिक्यूल के अंदर प्योर आयनिक कैरेक्टर नहीं होते, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ फैजान्स ने अपने रूल्स दिए थे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन से मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और कौन से मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिएगा, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो कैटायन प्रेजेंट है, अगर उसका जो साइज़ है वो क्या हो, स्मॉल हो, उसका साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, और जो एनायन हो, एनायन का साइज़ क्या हो, लार्ज हो, ठीक है, लार्ज हो, उसके अंदर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो होंगे उसके अंदर वो ज़्यादा होंगे और आयनिक कैरेक्टर्स उसके अंदर क्या होंगे, कम होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कैटायन का साइज़ स्मॉल हो, एनायन का साइज़ जो हो वो लार्ज हो, ठीक है, द स्मॉलर साइज़ ऑफ कैटायन एंड द लार्जर साइज़ ऑफ एनायन, तो उसके अंदर क्या होंगे, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतने ही ज़्यादा कैटायन द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई भी कैटायन है ए पॉजिटिव है, उस पर ए प्लस टू पाया गया है, तो और जो हमारा बी है वो माइनस के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है वो क्या पाए जाएंगे, ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज़्यादा होगी, यानी कि पोलराइजिंग पावर अगर कैटायन की ज़्यादा हो एनायन के कंपैरिजन में, तो उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी होता क्या है, कैटायन क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और यही तो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है कि जो जिसके अंदर भी कह सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो बनती है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो यही चीज समझाई गई थी फैजान्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर जो है कैटायन का साइज स्मॉल हो और एनायन का साइज लार्ज हो तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, अगर ज्यादा चार्ज कैटायन पे हो और कम चार्ज एनायन पे हो तो उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, पोलराइजिंग जो है कैटायन की ज़्यादा हो और एनायन की कम हो तो उस कंडीशन के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है भाई, ये था फैजान्स का रूल। अब देखिए हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि है वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, जिसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है भाई, इसका हम सिर्फ बेसिक करेंगे, अच्छे से हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका बेसिक देख लीजिए सबसे पहले कि वैलेंस शेल थ्योरी का मतलब क्या था, इसने क्या समझाया था। देखिए, लेविस का जो कंसेप्ट आया था वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बता पाया था। ठीक है, उसने ये बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है भाई, जो है बॉन्डिंग बनाता है और ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के बाद में ही स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर कोई भी शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भाई शेप क्या होगी कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वगैरह बनने के बाद में। ठीक है, तो इसके बारे में जो है दो साइंटिस्ट आए, पहले तो जो थे हमारे सिजविक, SIGWSIDG,
ओके वो थे हमारे एस आई डी जी डब्ल्यू आई सी के, ठीक है, सिजविक, और एक और थे हमारे पोवेल, सिजविक और पोवेल, पी ओ डब्ल्यू ई डबल एल। इन्होंने 1940 के अंदर क्या दी थी भाई, वेस्पर थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने क्या किया था भाई, नॉर्मल बताया था कि भाई किस तरीके से कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप होनी चाहिए सिजविक और पोवेल ने। फिर उसके बाद में इसे डेवलप किया गया और इसे रीडिफाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नायोलम एंड गिलिस्पे, जी आई डबल एल ई एस पी आई ई। इन्होंने किया था इसके बारे में एक्सप्लेनेशन 1957 के अंदर, ठीक है भाई। सबसे पहले वेस्पर थ्योरी को 1940 के अंदर सिजविक और पोवेल ने समझाया, फिर उसके बाद में जो है उसको रीडिफाइन और जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया नायलम और गिलिस्पे के द्वारा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था भाई कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है, कोई भी DING, कोई भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की ऊपर, सॉरी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर उसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्ट्रक्चर रेगुलर होगी। अगर इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है इररेगुलर, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो इररेगुलर हो जाएगी। अब देखिए बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम NH3 के बारे में जो हमने अभी पीछे स्टडी किया था, ठीक है। NH3 के अंदर नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं, 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे दिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास फिर भी बचते हैं। तो इस 5 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, ये हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको कहा जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, बॉन्डिंग के अंदर पार्ट ले रहे हैं। जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्हें जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, फिर लोन पेयर भी कहा जाता है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, अकेले, ठीक है। लोन मतलब कि अकेले हैं, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन NH3 के अंदर ऐसे होते हैं जो लोन पेयर के तरीके से होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है भाई। ये बेसिक है, बाकी जो आगे डीप में स्टोरी पढ़ेंगे इस वेस्पर थ्योरी के बारे में वो पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमने क्या स्टडी किया है, आज हमने स्टडी किया कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके बहुत से हमने एग्जांपल्स किए हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है NH3 और NF3 का। उसके बाद में हमने देखा कि भाई कौन से मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो उसमें फाइजेंस के कुछ रूल्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स थे वो देखे हमने, और वेस्पर थ्योरी का बेसिक देखा हमने। ये बेसिक अगर किसी को समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर से पढ़ाऊंगी इसको, तब आप देख लीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ इट्स एन रिक्वेस्ट। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जाके जाने से पहले आपको लाइक करने में क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद में प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, और एक और चीज़, अगर कोई नया है चैनल के ऊपर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।